के सबसे वीआईपी इलाके ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था संभालने वाले प्राइवेट कंपनी के 150 के लगभग कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे ताजगंज क्षेत्र में शनिवार को सफाई का काम ठप रहा। आपको बता दें कि ताजगंज में सफाई व्यवस्था के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की निजी कंपनी लॉयंस सर्विस लिमिटेड और नगर निगम का एग्रीमेंट है। कंपनी के कर्मचारी पूरे ताजगंज क्षेत्र की सफाई व्यवस्था संभालते हैं। ताजमहल के आसपास और यमुना के घाटों की सफाई भी निजी कंपनी के हाथों में है, तो वहीं सही समय पर सैलरी न मिलने पर कर्मचारी ब्याज पर पैसा लेकर कर्जदार हो रहे हैं। राशन वाले, दूध वाले घर के चक्कर लगा रहे हैं। कंपनी पर अगर दबाव बनाओ तो सीधा नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वहीं गाड़ी चालक से लेकर सफाई कर्मी तक सभी को ये परेशानी है। आपको बता दें कि इस महीने भी 15 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए थी, मगर अब तक सैलरी नहीं मिली। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिल जाती वो हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी खबर लिखे जाने तक पुरानी मंडी चौराहे पर धरना दे रहे थे। नगर निगम और कंपनी के अधिकारी उनसे बातचीत कर हड़ताल रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।